तो गाइस क्या आप लोग भी अपने फाइव वाले बटन की साइज और उसकी पोजीशन को लेकर परेशान है? क्या आप लोगों के भी वन टैप नहीं पड़ते हैं? या फिर जब भी आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारने का ट्राई करते हो उस टाइम पे आप लोगों की आधी से ज़्यादा एमओ तो हवा में फैर जाती है, या फिर आप लोगों के बॉडी शॉट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, या फिर आप लोगों की गन बहुत ज़्यादा रिकॉल खाती है, टेंशन काहे लेते हो? आज की इस वीडियो में आपको बेस्ट फाइव बटन की साइज उसकी पोजीशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरी तुम सभी से बस आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो नहीं देखी और आपके मन में जो भी सवाल है वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग चाहे लो डिवाइस में खेलते हो चाहे आप लोग हाई डिवाइस में खेलते हो, अगर आप लोगों के मोबाइल का रैम 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB या फिर 12GB+ है तो तुम सभी के मोबाइल में ये ट्रिक वर्क करने वाली है। चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 200 डायमंड का गिवअवे और चलेंगे। आप में से दो रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फ्री फायर के अंदर फ्री में 200 डायमंड जीतना चाहते हो तो उस पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी से एक मैसेज डाल देना है। तो आप में से दो रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दे दूंगा। तो देखो आप लोगों के मन में सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या फायर वाले बटन की साइज हेडशॉट मारने के लिए मैटर करती है या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि फ्री फायर के अंदर फायर वाले बटन की साइज मैटर करती है या नहीं। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जिनके फायर वाले बटन की साइज 30 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 और किसी की 70। यानी आप में से हर किसी बंदे के मोबाइल की साइज के हिसाब से आप लोगों के फायर वाले बटन की साइज भी अलग अलग होती है। और अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक दिन वीडियो बना के डाली थी, उसमें मैंने अपने फायर बटन की साइज को 10 पे किया था तब भी मेरे नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ रहे थे, जब मैंने अपने फायर बटन की साइज को 50 पे किया तब भी मेरे नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ रहे थे, जब मैंने अपने फायर वाले बटन की साइज को 100 पे किया तब भी मेरे नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ रहे थे। चलो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ कि अगर फ्री फायर के अंदर फायर वाले बटन की साइज हेडशॉट मारने के लिए फिर वन टैप मारने के लिए मैटर करती तो आप लोगों की भी फायर वाले बटन की साइज वही होती, मेरी भी फायर वाले बटन की साइज वही होती और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं सभी के फायर वाले बटन की साइज सेम होती है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि फ्री फायर के अंदर अगर फायर वाले बटन की साइज मैटर नहीं करती है तो हमको हेडशॉट मारने के लिए कौन से फायर वाले बटन की साइज पे खेलना चाहिए जो कि हमारे लिए परफेक्ट रहे। तो इसके लिए आपको सिंपली छोटा सा काम करना कि आप लोगों को अपने फायर वाले बटन पे थंब को प्रेस करना, जितने आप लोगों की थंब की साइज होती है उतना ही आप लोगों को अपने फायर वाले बटन की साइज को रख देना और आप लोगों के थंब की साइज 40 से 50 के बीच में ही रहती है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपने स्क्रीन पर अपने थंब को प्रेस करना है और उसके बाद आप लोगों को अपने फायर बटन की साइज को घटाना या बढ़ाना, ठीक है? जितने आप लोगों की थंब की साइज होती है उतना ही आप लोगों को अपने फायर वाले बटन की साइज को रख देना है। तो भाई भले ही फ्री फायर के अंदर फायर वाले बटन की साइज मैटर नहीं करती हो किसी बंदे को वन टैप मारने के लिए, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी बंदे को शॉट मारने के लिए पर किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपने फायर बटन की जो पोजीशन है उसे किस जगह पर सेट करना है, जैसे कि आप लोगों की गन ना के बराबर रिकॉल खाए, आप लोगों के बॉडी शॉट बहुत कम पड़े और आप लोगों की एमओ बहुत कम हवा में फायर हो और आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। उससे पहले मैं यहाँ पे तुम सभी को एक छोटी चीज और दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारी 8 लाख फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 600 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई तुम सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबा देना, और मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि देखो ये बात तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको इसे लेकर जब तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। आपका एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, पर तुम सभी के लिए छोटा सा टारगेट लगा लो कि क्या हम आज 8 लाख फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के कमेंट कर देना। और गाइस मैंने तुम सभी को बोला है कि आज की इस वीडियो में 200 डायमंड का गिवअवे और चल रहा है, आज हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करे कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख के याद से कमेंट जरूर कर देना। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में, बात कि आप लोगों को अपना फायर वाला बटन कहाँ रखना है। तो देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि अपने फायर वाला बटन को यहाँ पे रखते हैं और बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो कि अपने फायर वाला बटन को बिल्कुल नीचे के साथ चिपका के रखते हैं। तो आप में से जो जो बंदे अपने फायर वाले बटन को बिल्कुल मिडल में रखते हैं फिर बिल्कुल ऊपर की साइड रखते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोगों के लिए ड्रैग करने के लिए काफी स्पेस नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग अपने फायर वाले बटन को बिल्कुल नीचे साइड चिपका के रखोगे तो उस टाइम पे आप लोगों को रोटेशन ड्रैग करने में प्रॉब्लम आएगी। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने फायर वाले बटन को ना तो बिल्कुल ऊपर रख सकते हो, ना ही बिल्कुल नीचे साइड रख सकते हो, ना ही आप लोग अपने फायर वाले बटन को बिल्कुल मिडल में रख सकते हो। तो चलो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपने फायर वाले की पोजीशन ऐसी किस जगह पर रखनी जिससे आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोगों को हमेशा अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे नीचे से थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना है। आपके मन में सवाल ये भी होगा कि फ्री फायर के अंदर यही बेस्ट पोजीशन क्यों है फायर वाले बटन की। तो देखो अगर आप लोग किसी बंदे पे फायर करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को रोटेशन ड्रैग की भी जरूरत पड़ती है और आप लोगों को स्टेट ड्रैग की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग अपने फायर बटन की पोजीशन को नीचे से थोड़ा सा ऊपर की साइड रखोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए ड्रैग करने के लिए भी काफी स्पेस मिल जाता है और रोटेशन ड्रैग करना चाहते हो
तो उसके लिए आपको नीचे एक साइड भी स्पेस चाहिए होता है, तो आप लोग को नीचे एक साइड भी स्पेस मिल जाता है। ओके, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज की इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया है पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक एक्सप्लेन करके समझाया। तो देखो मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार 8 लाख फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब है, तो आपके ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। ओके, देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने आपको बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में जो डायमंड किस तरीके से ले सकते हो।